इधर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 93 शिक्षकों को सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम पंचकूला में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक शिक्षक के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के बेहतर कार्य किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षित और स्वस्थ बच्चे देश का भविष्य हैं। सेहत योजना के तहत आगामी शैक्षिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि चाहे CBI हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो या ICSEI बोर्ड या फिर CISE बोर्ड हो, हर परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा देश का ही नहीं संभवतः विश्व का पहला प्रदेश है जहां 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षकों को 5 लाख टैब निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। शिक्षक दिवस आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा था। सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आज पूरा देश सुप्रसिद्ध काल में मान विद्वान और एक आदर्श शिक्षक दार्शनिक तथा देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण को याद कर रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं और एक बात देता हूं। आप सभी ने एक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य किया है। यह विदित है शिक्षित एवं स्वास्थ्य बच्चे देश का भविष्य। आज सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनके जन्मदिन पर और शिक्षक सम्मान दिवस पर मैं आप सभी शिक्षकों को और हरियाणा के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और मेरा मानना है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं देश को आगे लेके जाने की, लेकिन अगर देश को आगे लेके जाना है तो अगर एक ही संस्था है जो देश को आगे लेके जा सकती है।